हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कलर्स एंड आर्ट बाय अंकिता। सो गाइस, आज फिर से मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम आज ब्रूस्टरों के जो ब्रशेस है उसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जो अनबॉक्सिंग है वो शुरू करते हैं। तो ये जो बॉक्स है गाइस ब्रशेस का, ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है क्योंकि मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए इसे पहले मैं सीजर से कट कर लेती हूँ। इसमें 10 ब्रशेस आते हैं, तो देखते हैं अब इसमें 10 ब्रशेस आए हैं या नहीं। तो मैंने इसे सीजर से कट कर लिया है इस बॉक्स को। तो इसके अंदर के जो ब्रशेस है वो अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही टाइट पैकिंग है बॉक्स की। अनबॉक्सिंग के साथ साथ तो यहाँ पर देखते हैं इसमें अगर ब्रशेस अच्छे हो गाइस, तो आज हम एक छोटा सा डेमो भी देख लेंगे। मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस ये ब्रशेस देखने के लिए, क्योंकि मैंने ये पहले से देखे नहीं है। मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहती थी। तो चलिए ये जो ब्रशेस है वो मैं निकाल रही हूँ। ब्रूस्टरों के ये ब्रशेस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइस, बहुत ही अच्छे से ये ब्रशेस है। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 नंबर ऑफ ब्रशेस है, इसमें एक भी कम या फिर ज़्यादा ब्रश नहीं है। तो चलिए इसे मैं बाहर निकाल के देखती हूँ। ये जो ब्रशेस है इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑयल, एक्रेलिक और वाटर कलर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस के जो नंबर्स है वो भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो चलिए इसे मैं बाहर निकाल के देखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसकी जो लेंथ है, ब्रश की जो लेंथ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, ये शॉर्ट नहीं है ब्रशेस। तो चलिए अब मैं इसे ओपन करके इसकी जो हेयर्स है, ब्रशेस के जो हेयर्स होते हैं ऊपर के, उसकी जो टिप होती है वो देखती हूँ वो सॉफ्ट है या नहीं। अब तक के पेंटिंग्स के लिए मैंने जो भी ब्रशेस यूज किए थे वो इतने भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे गाइस। नॉर्मल जो ब्रशेस होते हैं वो ब्रशेस मैं अभी तक यूज़ कर रही थी, लेकिन ये जो ब्रशेस है वो लग तो रहा है कि अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छे हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसकी जो हेयर्स है वो कैसे है, स्मूथ है या फिर हार्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी लंबाई जो है वो मैंने आपको बता दी है कि बहुत ही ज़्यादा है, नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको हेयर्स भी दिखा रही हूँ, हेयर्स भी सॉफ्ट है गाइस। इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ था कि वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग और जो एक्रेलिक पेंटिंग होती है, इन तीनों के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आप अगर इसे परचेस करना चाहते हो, ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक बिगिनर्स के लिए ये तो बहुत ही अच्छे ब्रशेस है। ये ब्रशेस जो है वो नॉर्मल ब्रशेस से बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नॉर्मल ब्रश भी दिखा देती हूँ जो मैं आज तक यूज़ करती थी। वो बहुत ही हार्ड थे, उसकी जो हेयर्स थे इस ब्रश की से, इसकी जो हेयर्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है गाइस। आप अगर बिगिनर हो और पेंटिंग करना चाहते हो तो मैं यही ब्रशेस जो है वो आपको सजेस्ट करूँगी। आपको अगर ये ब्रशेस लेने हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें कौन से टाइप के ब्रशेस आए हैं। यहाँ पर 3 ब्रशेस आए हैं जो कि राउंड शेप है, राउंडेड है। 5 नंबर का ब्रश है, 1 नंबर का है और 3 नंबर का ब्रश है। इसमें 3 ब्रशेस आए हैं जो कि राउंड शेप ब्रशेस है। राउंड शेप के जो ब्रशेस होते हैं वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं, वो राउंड शेप के ब्रश से ही पहले अपनी जो शुरुआत करते हैं। इसमें आए हैं 4 टाइप के ब्राइट ब्रशेस। ब्राइट ब्रशेस जो है यूजुअली हम देखते हैं कि वो यूज़ होते हैं लैंडस्केप बनाने में और फ्लावर्स बनाने में। तो इसमें आए हैं, सॉरी, इसमें 3 ब्रशेस है जो कि ब्राइट ब्रशेस है। 3 टाइप के ब्राइट ब्रशेस है, आप यहाँ देख सकते हो। इनके नंबर्स है 10, 2 और 6।
10, 2 और 6 नंबर के तीन ब्रशेस आए हैं जो कि ब्राइट ब्रशेस हैं, और यहाँ पर दो फ्लैट ब्रशेस है और फिल्बर्ड दो ब्रशेस है, देख सकते हो आप। फ्लैट ब्रशेस है दो और दो फिल्बर्ड, जो कि 2 और 6 नंबर का फिल्बर्ड ब्रश है और 2 और 8 नंबर का फ्लैट ब्रश है। तो ऐसे ये 10 नंबर्स ऑफ ब्रशेस मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। ब्रशेस के ऊपर की जो कवरिंग थी, जो पैकिंग थी, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस है गाइस, कुछ लिखा हुआ है। ये गोल्ड टैकलॉन कलर से नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं, और एक्रिलिक ऑयल और वाटर कलर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिया है। और ब्रश की जो केयर है वो कैसी लेनी है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसे ऑर्डर करके इसे पढ़ सकते हो, आपको अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ऑर्डर कीजिए। तो चलिए इसके साथ साथ एक छोटा सा डेमो भी हम देख लेते हैं। और हाँ गाइज, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये 10 नंबर्स ऑफ ब्रशेस है, तो 10 वीडियोस आने वाले हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, क्योंकि एक एक ब्रश का जो डेमो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 नंबर का जो राउंड ब्रश है वो, इसका जो स्ट्रोक है आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक फ्लावर बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट है गाइज ये ब्रशेस यूज करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना अच्छा, इसका ये जो स्मूथनेस है और ये जो स्ट्रोक है वो कितने अच्छे से स्मूथली आ रहा है। तो गाइज, आप अगर बिगिनर हो तो मैं आपको यही ब्रशेस सजेस्ट करना चाहती हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है इस ब्रश की जो हेयर से ब्रिस्टल्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कितनी स्मूथली ये जो फ्लावर है वो निकाला है, और मैंने यहाँ पर एक्रिलिक कलर ही यूज़ किया है। इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया है कि ऑयल, वाटर कलर और एक्रिलिक कलर्स के लिए ये ब्रशेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहती थी, और ये जो डेमो है वो पूरा हो चुका है, ये मेरा जो फ्लावर है वो पूरा हो चुका है। मुझे तो ये ब्रशेस जो है वो अच्छे लगे गाइज, मैं इसे इन ब्रशेस को रखूँगी अपने पेंटिंग्स के लिए। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो ब्रशेस है वो मुझे मिले हैं 543 रुपीज़ में। 543 रुपीज़ में मुझे ये ब्रशेस जो है वो मिले हैं। तो गाइज, आपको आज का ये अनबॉक्सिंग का वीडियो और ये जो छोटा सा डेमो था वो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही आर्ट के वीडियोस, पेंटिंग्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।